हाय हेलो, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सब ठीक? तो ये वीडियो शुरू हो रही है छत से, और सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, और जो भी कुछ करो इस साल अच्छा करना। मैं भी अच्छा करूँगा, अच्छा ट्राई करूँगा। तो इस वीडियो में ज़्यादा खास कुछ है नहीं, बस ये है कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊँगा, व्हाट आई डू इन 2021। मैंने 2021 में क्या 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 नहीं किया। कुछ बुरे मोमेंट भी हैं और कुछ अच्छे मोमेंट हैं, तो बुरे मोमेंटों के बारे में बात नहीं करने वाला, क्योंकि जो बुरे मोमेंट हैं वो किसी और दिन किसी अच्छी वीडियो के लिए मैंने रख रखे हैं। मतलब क्या बुरा हुआ, मतलब बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। तो कुछ अच्छे मोमेंट हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा और कुछ बातें शेयर करूंगा, तो शायद से आपको भी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो ये कहानी है उस लड़के की जो अब से 2 साल पहले स्टूडेंट हुआ करता था। स्टूडेंट मतलब 11th 12th का स्टूडेंट नहीं, IIT का स्टूडेंट। तो अब बहुत से लोग ये बोलने वाले होंगे कि भैया आप IIT छोड़ के यूट्यूब फील्ड में क्या आ गए हो, क्या आपका दिमाग चल गया क्या? तो मैं उन लोगों के लिए बस यही कहना चाहूँगा कि आपको जिस काम करने में खुशी मिलती है आप वही काम करो। और ये बात है सन 2019 की, जब मैं IIT का स्टूडेंट हुआ करता था। उसके बाद 19 दिसंबर सन 2019 को मैंने भोरे बिस्तर बांधा और मैं भी YouTube की तरफ शिफ्ट हो गया। उस टाइम मैं रेगुलर YouTube पर वीडियो नहीं डालता था, कभी कभार वीडियो डालता था। उस टाइम मेरे पास Realme U1 एक फ़ोन था, जिसके फ्रंट कैमरे से मैंने एक पहली वीडियो अपनी अपलोड की थी YouTube पे। और वो आज भी YouTube पर है, जिस पर 2K व्यूज़ आए थे। और उसमें मैंने कुछ नहीं दिखाया था, बस मॉर्निंग में उठा था, मॉर्निंग में उठ के वैसे शाम तक जो भी कुछ किया था वो दिखाया था मैंने। और उस टाइम मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं थी कि भाई होता क्या है यूट्यूब, कुछ नई नॉलेज थी मेरे को। उसके कुछ समय बाद मैं घर आया, घर आने के बाद तो मेरा मन बिल्कुल हट गया पढ़ाई से। मैंने घर वालों से बोला कि आप मुझे कैमरा दिलवा दो। तो पहले तो मेरा मजाक बनाने लगे लोग, वाग मेरी हंसी बनाने लगे घर वाले भी, और रिश्तेदार सभी लोग मेरी हंसी बनाने लगे। वो बोलते हैं ना कि आपको कोई चीज़ पाने की लगन है और शिद्दत है, तो उस चीज़ को मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे घर वालों ने मुझे कैमरा दिलवा दिया। 8 जनवरी सन 2021 को मैंने अपना पहला कैमरा ख़रीदा था। और आप सभी लोग जानते हो कि पहले कैमरे की खुशी कैसी, कितनी खुशी होती है वो मैं बता नहीं सकता मैं आप लोगों को। उसके बाद मेरी लाइफ सब कुछ सही चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था मेरी लाइफ में। मैं वीडियोज़ बना रहा था और कैमरा चलाना सीख रहा था। उस टाइम मैं बहुत हैप्पी था, सारी चीज़ें थी मेरे पास। लेकिन बोलते हैं ना कि अगर आपकी लाइफ बिल्कुल बढ़िया चल रही हो तो कुछ गलत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कैमरा लेने के 4-5 महीने बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मुझे कोई मैं सोच ही नहीं सकता था कि भाई मेरे साथ ऐसा हो सकता है, और हो गया मेरे साथ। May 25, 2021 को मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। उस दिन मेरे कैमरे से नहीं, मेरे दिल से शटर की आवाज आई। क्या बताऊं मैं क्या हुआ मेरे साथ, मैं अभी नहीं बताना चाहता, ये सारी बातें नहीं करना चाहता। बस हुआ जो भी कुछ हुआ वो जिंदगी भर के लिए मुझे याद रहेगा। 2021 की सबसे बड़ी सीख वो चीज़ थी मेरी जो मेरे साथ हुआ। उसके बाद 4 महीने के लिए मैंने YouTube छोड़ दिया। वो 4 महीने मेरे ऐसे गुजरे, शायद वो टाइम कभी किसी के साथ ना आए। और उन 4 महीनों में मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, मैंने बहुत लोगों को देखा। मैं तो था ही सफ़र में, मगर मेरे दोस्त मेरे अच्छे बुरे टाइम में हमेशा मेरे साथ थे। उस टाइम में कुछ क्रिएटरों को देखने लगा, फर्स्ट नंबर इरफान जुनैद, जो सेकंड कैमरा वाले भैया, थर्ड से बातें वारी, और फोर्थ दिल्ली का लड़का। तो इन लोगों को मैं देखता था, बहुत इंस्पायर हुआ मैं और बहुत कुछ चीज़ें सीखी मैंने। बस मुझे इंतज़ार था कि मैं अब वापस से कब से उठाऊँगा यूट्यूब पर, मुझे बस इसी चीज़ का इंतज़ार था। उसके कुछ समय बाद फिर मैं यूट्यूब पर वापस आया, और उसके बाद की जो जनरी है ये चल रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपना पैशन कभी फॉलो कर पाऊँगा। शुरू में ये सोच कर डर लगता था कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। लेकिन किसी ने सही कहा है कि बस तू अपना काम कर, मेहनत कर, टाइम आने पर ऊपर वाला
तुझे सब कुछ देगा जो तुझे चाहिए। और मेरे घर वाले भी मुझसे बोलते थे कि क्या इन सब चक्करों में पड़ा है, पढ़ाई कर और एक अच्छी सी जॉब ले, पर उन्हें कहाँ पता था कि मैं जो निकला हूँ अपने सफ़र पे, अब शायद ही कभी रुकूँगा।